दोस्तों स्वागत है आपका यहाँ पर। काफी बुरी खबर आई है एमएस धोनी और उनके फैंस के लिए, जहाँ पर एमएस धोनी पहली बार जो है वो T20 स्क्वाड से बाहर किए गए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या थी वो वजह जिसकी वजह से जो है एमएस धोनी को T20 स्क्वाड से बाहर किया गया। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप एमएस धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एमएस धोनी ने जब से अपनी जगह टीम इंडिया में फिक्स करी, तब से ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें जो है स्क्वाड से बाहर किया गया है। रेस्ट उन्हें काफी समय मिला है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उन्हें स्क्वाड से जो है वो बाहर किया गया है। और आपको बता दें कि अगले जो 6 T20 मैच टीम इंडिया खेलने वाली है, उनमें हमें एमएस धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। सबसे पहले 3 T20 मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है टीम इंडिया, जहां पर 3 T20 मैचेस होने वाले हैं। और इन दोनों सीरीज के लिए जो है एमएस धोनी को स्क्वाड से बाहर किया गया है। तो काफी बड़ी और काफी बुरी खबर है ये एमएस धोनी के फैंस के लिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं वजह की। तो BCCI ने टीम का ऐलान करते वक्त ये बात कही कि ये जो टीम है वो परफॉर्मेंस के बेस पर बनाई गई है, यानी जिन जिन प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया है। और क्योंकि काफी समय से एमएस धोनी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और इसी वजह से जो है एमएस धोनी को इस स्क्वाड से बाहर किया गया है। अब दोस्तों बात करें पर्सनल वजह की, तो यहाँ पर दो पर्सनल वजह भी है। सबसे पहली, एशिया कप 2018 में एमएस धोनी की कप्तानी, आपको याद होगा कि एक मैच में एमएस धोनी ने कप्तानी करी थी, और उसके बाद खबर ये आई थी कि जो सेलेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं एमएस धोनी से। और दूसरी वजह की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीसीसीआई ने अनाउंस किया था विजय हजारी ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल खेलने वाली है झारखंड की टीम, उसमें जो है एमएस धोनी खेलते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद एमएस धोनी ने जो है वो मैच खेलने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है वो चेंज नहीं करना चाहते। तो ये दो ऐसे पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बीसीसीआई ने ये फैसला लिया हो। और इस मामले में चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा कि टीम इंडिया जो है वो सेकेंड ऑप्शन ढूंढ रही है विकेट कीपिंग में, जिस वजह से एमएस धोनी को बाहर किया गया, ताकि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को जो है वो पूरा मौका मिल सके बैटिंग और कीपिंग करने का। तो दोस्तों ये थी वो वजह जिसकी वजह से जो है एमएस धोनी को बाहर किया गया अगले 6 T20 मैच से। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या एमएस धोनी जो है वो वापसी कर पाएंगे T20 मैच में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।